दिल में हम जो तक आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती इस धरती पे आए थे उसी के उपलक्ष्य में इनके घर में पूजा का अवसर बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी होती है जब हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में हम लोग आके एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और पूजा में सम्मिलित होते हैं। यही हमारा संस्कार है और यही हमारी पहचान है। संजय भूषण और मैं चूँकि एक ही शहर से हूँ और बहुत पुराना फ्रेंडशिप दोस्ती हम लोग एक तो दोस्ती है, उसके अलावे मैं डायरेक्टर हूँ और वो पीआरओ है, तो हमारा साथ भी है काम करने का, हम साथ में काम भी करते हैं। हमारे लिए उसने बहुत सारी पब्लिसिटी की है और आज चंदन उपाध्याय के बारे में अगर कोई जानता है तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय संजय भूषण को जाता है। मेरी अभी पहली शुरू होगी फिल्म, इससे पहले मैंने बहुत सारी फिल्में एसोसिएट किया है, एसोसिएट एंड बहुत सारी फिल्में कोरियोग्राफ करी, बट अभी प्रॉपर इंडिपेंडेंट फिल्म करने जा रहा हूँ जिसके प्रोड्यूसर प्रेम राय है श्रेयस फिल्म से। फिल्म का नाम है मेहंदी रचालो मेरे नाम। क्या स्टोरी है? स्टोरी ये प्रॉपर एक संस्कारी एक लड़की है और एक आवारा लड़का है, ये दोनों की लव स्टोरी है। तो उसको आवारा लोगों से बिल्कुल नफरत है और इसको लड़के को संस्कृति से बिल्कुल नफरत है। उसको संस्कृति समझ में नहीं आती क्या संस्कृति, और वही कहा जाता था कि मांग में सिंदूर भरते ही सात जन्म के लिए एक दूसरे के लिए हो जाया करते थे, तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है। बट जब वो लड़की इसकी ज़िंदगी में आती है और वाकई में लगता है कि नहीं, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार जो पुरुषों ने दिया है, जो बनाया गया है, वो वाकई में है और ये सिंदूर हम लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है साथ में, तो एक कल्चर है भोजपुरी का, उस कल्चर को वापस लाने का कोशिश रहे हैं इस फिल्म से और प्योर नए स्टाइल में इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये बता दूँ कि डायरेक्टर्स बहुत सारे मेहनत करते हैं आके करने के लिए, पहली फिल्म होती है तो बाहर के प्रोड्यूसर को लेके आते हैं, फिल्में करते हैं, बट ये बड़ा सौभाग्य होता है कि मेहनत करके और जो एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर प्रेम राय, उनके बैनर से ब्रेक मिलना अपने आप में एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है और वो सौभाग्य मुझे मिल गया, तो तहे दिल से प्रेम राय को धन्यवाद बोलूँगा। संजय जी को शुभकामनाएं हैं हमेशा के लिए, मेरे दोस्त रहे, अजीज रहे और इतना बढ़िया पीआरओशिप करना, इतना बढ़िया प्रचार करना, फिल्में जो पब्लिक तक पहुँचती हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय लोगों तक जाता है कि हर गली, हर चौराहे, हर घर तक इनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से पब्लिक तक सिनेमा का नाम पहुंचता है, सिनेमा की बातें पहुंचती हैं, हम लोगों का नाम पहुंचता है, हम लोगों की पहचान पहुंचती है, तो इनका योगदान बहुत ही बढ़िया है और इससे हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारा साथ है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रितु पांडे है, मैं भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करती हूँ, उसके अलावा मैंने हिंदी मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया हुआ है। मेरी आने वाली फिल्में हैं मुख्तार, जीतब हम प्यार की बाजी, उसके बाद मेरी फिल्म अभी एक रिलीज होने वाली है बाप रे बाप, चार पांच फिल्में हैं जो कंटिन्यू हैं, उसके बाद मेरी एक फिल्म है उसके भी हाल में डबिंग होने वाली है ट्रक ड्राइवर। फिल्मों का दौर बहुत अच्छा रहा, आगे भी कुछ नया करने का सोचा है मैंने। भोजपुरी इंडस्ट्री आज वर्ल्ड लेवल फेमस है, इसे हमारे दर्शकों की देन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे और कहीं ना कहीं हर तरह की तरह मैं यही कहूँगी कि हर रूप में देखब आप लोग रितु पांडे के, इस बार आयल वानी हम कुछ ऐसा धमाका करे कि सब कर करे जा धक 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 हो जाए। संजय मेरे करीब 6-7 साल से हमारे बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो मेरे प्यारों भी हैं। आज तक उन्होंने जितना भी मेरा मेरी पब्लिसिटी की, मेरे फिल्मों के बारे में बताया, आप तक पहुँचाया, ये सिर्फ संजय भूषण का ही देन है। और मेरे ख्याल से एक प्यारों नहीं, वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, लोगों कि जो सच्चाई है उसको लाने की कोशिश करता है, भले वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उसका हमेशा प्रयत्न रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हर एक काबिल एक्टर एक्ट्रेसेस को, न्यू कमर्स को, सबको वो प्रमोट करे, आगे लाए
और जिसके अंदर जो हुनर हो उस हिसाब से वो अपने काम करे, और उसकी देन है कि वो आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे कलाकारों को लाएगा, आप लोगों से रूबरू कराएगा, और हम और आप तो हमेशा रूबरू होते रहेंगे। थैंक्स। हाँ, मैं संजय जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वो ऐसे आगे बढ़ते रहें और कामयाबी की बुलंदी पे चढ़े, और उनके जितने भी साथी कलाकार हैं, साथी हैं जो उनके दोस्त हैं, जिसमें से एक है दोस्त हैं शिवा, और एक जो हम सबके भी दोस्त हैं तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ें, और मीडिया का सपोर्ट रहा तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी पड़ाव में हूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ। थैंक्स। घर में लक्ष्मी आए, बहुत सारे पैसा आए। मेरा नाम विकास सिंह ग्रप्पन है, मैं भोजपुरी फिल्मों का एक्टर हूँ, और अभी 22 तारीख को एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, साजन चले ससुराल, आप लोग जरूर देखिएगा। साजन चले ससुराल पार्ट वन में भी मैं विलेन था, और उसी का पार्ट टू 5 साल के बाद होना है, जिसमें आलोक कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, खेसारी लाल यादव हैं, स्मृति सिन्हा हैं, मैं हूँ, मनोज टाइगर हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, गाने अच्छे अच्छे, उसमें एक सलाई रिंच है गाना जो अभी आज के डेट में बहुत फेमस चल रहा है, तो दर्शकों को पसंद आएगा। संजय जी और आपके फ्रेंडशिप के बारे में जानना चाहेंगे रियल लाइफ। संजय भूषण जी आज के डेट में भोजपुरी के नंबर वन पीआरओ हैं, और युवा वर्ग के को आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें एक युवा पीआरओ हैं, बाकी कोई युवा पीआरओ भोजपुरी में नहीं है, और ये बहुत तेज तरार पीआरओ हैं, कोई भी काम बहुत एक्टिव लेके करते हैं, और लगन रहता है जो भोजपुरी में हम हैं, और वो शान से रहता है जो हमें भोजपुरी से ठीक है, तो भोजपुरी को प्यार भी मिलना चाहिए। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी के बारे में? ऑडियंस को तो बोलूँगा जिस तरह साजन चले ससुराल पार्ट वन आप लोग देखे थे, एक बार दोबारा फिर से देखिए साजन चले ससुराल पार्ट टू, आप लोगों का प्यार से साजन चले ससुराल बहुत बड़ी हिट हुई थी, और मैं चाहूँगा ये फिर से एक बार दोबारा हिट हो, तो मैं विनती करूँगा कि आप लोग एक बार जरूर देखें। संजय जी को बहुत सारा शुभकामना, आज पूजा में हम लोग आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, और उनको अपने पीआरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वर्ग जय हो। मेरा नाम स्मिता है, आइंस्टाइन मेरा रोड स्मिता है, मेरा नाम मेरा रोड में रहती हूँ। संजय जी की इधर पूजा थी, जस्ट अभी आई, देखा पूजा है, इन्होंने कल इनविटेशन दिया था मुझे, बोला आइए पूजा में, बस हार्दिक शुभकामनाएं हैं, संजय जी के साथ आगे बढ़े, ऐसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करें, साथ में हमें भी जोड़े, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, बस शुभकामनाएं हैं उनकी, देखिए भोजपुरी में नया नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंडशिप के बारे में जानना चाहेंगे? फ्रेंडशिप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, फैमिली मेंबर हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है उनसे है, पंडित जी जो आए हैं उनसे है। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अक्टूबर ये अगस्त में आ जाएगा। मूवी का नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डिसाइड होगा बता दीजिए। थैंक यू। बता दीजिएगा आप कौन फिल्म आ रही है, जा रही है? जा रही है मतलब कौन आ रही है, कौन फ्लोर पर जा रही है? भैया आज संजय के फ्लैट में पूजा का भी है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्यार भी है, क्या कहना चाहेंगे? संजय पहले तो इनको इस पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बधाई, और भगवान जो है इनको बहुत सक्सेस दे, इनको उन्नति दे, और इनकी जितनी भी तमन्ना है वो पूरी करें, और एक चीज़ है मेरी तरफ से कि इनकी मंगनी जल्दी से हो जाए। कौन कौन से प्रोजेक्ट फ्लोर पर हैं? अभी हमारी एक बंगाली रिलीज़ के लिए रेडी है, उसके बाद भोजपुरी भी कंप्लीट हो चुकी है, डबिंग वबिंग स्टार्ट है, वो शुरू हो जाएगी, 2-3 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, एक हिंदी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा कभी। बंगाली में प्रतीक बब्बर है, फर्स्ट टाइम बंगाली फिल्म कर रहे हैं, और इंद्रनील इसमें हैं, बंगाली के सुपरस्टार हैं, और पॉली डैम है जो आप लोगों ने सुना होगा, पॉली डैम तो काफ़ी हिंदी फिल्में भी कर चुकी है, वहाँ के सुब्रतो चटर्जी जिन्होंने सत्यजीत रे की सारी फिल्मों में काम किया है, उनके हीरो रहे हैं, लीडिंग हीरो रहे हैं, वो भी इस फिल्म में
तो काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट है और ये एक बढ़िया अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर, रियल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड कहानी है और उस पर ये फिल्म बनी है। हाँ, भोजपुरी में स्टार कास्ट है, खेसारी लाल है, स्वीटी छाबड़ा है, मनोज टाइगर जी हैं, अदेश मिश्रा हैं, राजन मोदी जी हैं, काफ़ी ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, उनका नाम न ले तो गड़बड़ हो जाएगी। कब तक रिलीज़ पर आएंगे? ये अभी एक आध महीने में रिलीज़ हो जाएगी, बंगाली हमारी अगस्त में रिलीज़ होगी, उसके बाद तुरंत बाद हम लोग जो है भोजपुरी की रिलीज़ करेंगे। थैंक यू। पहले मैं हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को नमस्कार बोलूँगा। आज अपने घर पे सुख शांति के लिए पूजा पाठ कराया, जिसमें पंडित जी ने काफ़ी चीज़ बताई, और चूँकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि और कुछ अच्छा करें। हमारे बीच में जितने ही लोग सोच रहे हैं इंडस्ट्री को गिराने के लिए और इंडस्ट्री आगे बढ़े, अभी खुशखबरी कुछ देर पहले मिली है, भोजपुरी को आठवीं सूची में इसी महीने में शामिल किया जाएगा और सन 17 इस पर शुरू हो रहा दिल्ली में, तो बहुत खुशी की बात है। आज पूजा करने से पहले ही मेरे को जानकारी मिला कहीं से, और मैं उन सभी मेहमानों को धन्यवाद देता हूँ जो आज यहाँ पूजा पर पहुँचे हैं। विनय आनंद जी हैं, राहुल कपूर जी, विकास जी, डॉली, ऋतु जी, चंदन, और आज के युग में सब कोई अपने आप में बिजी है, इंसान जानते ही सबसे बड़ा लालची है, तो उसी कुछ समय में से निकाल के मैं सोचा रविवार है, पूजा पाठ करके कुछ उसको दूर भगाया जाए जो बाधाएं आ रही हैं। और कुछ दिन में सोमवारी शुरू होने वाला है सावन के, हर हर महादेव, तो हर महादेव की कृपा जब किसी के ऊपर अगर आ जाती है तो आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं एंगेजमेंट का, जल्दी ही खुशखबरी सुनिएगा, 2017 में, अभी 2016 चल रहा है, 2017 में आप लोगों को जल्दी ही सूचना मिलेगी। थैंक यू।